काट दे। नमस्कार दोस्तों, फिर से न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग एक जगह फिर आए हैं, तो पंप मेरा ये सीआरआई पंप, तो बहुत ही नामी कंपनी है। कंपनी के बारे में तो इसे आज करीब 20 साल से पंप हम लगा रहे हैं, अभी तक कहीं भी फोल्ड एक जरा नहीं। अगर फोल्ड आता है तो 10 साल 12 साल के बाद फोल्ड आता है। तो पंप अभी खोल के दिखाएंगे, फिट करके भी दिखाएंगे आपको। इसके साथ क्या क्या आपको सामान लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा वो आपको दिखाएंगे। तो इसमें बोरक पहले खोलते हैं। तो एक चीज यार आप लोग बोलना चाह रहे हैं कि आप लोगों को सभी दोस्तों को हमारा हैप्पी होली, और हैप्पी होली के साथ साथ क्या है कि होली अभी आने वाला है, दो चार दिन बाकी है होली का। सभी दोस्तों को हैप्पी होली, होली की शुभकामना। तो यही पैनल है मेरा, पैनल जो है ये आपका 13,500 में पूरा सेट आएगा आपको। मोटर और पैनल दोनों आएगा, मोटर और पैनल दोनों साथ में। इसके साथ और कुछ लेते हैं, इसे इसका पाइप हो गया, तार हो गया, वो आपका तार रस्सी पाइप अलग अलग दाम पड़ेगा। ये अपडेटर हो गया, अपडेटर भी आपका अलग प्राइस पड़ेगा, 300 रुपए दाम है अपडेटर का। इसमें और कुछ सामान है, ये कच्चा टेप हो गया, ये एक नो का निप्पल है ऊपर में लगेगा। वारंटी पेपर मिलता है जो एक साल के लिए सर्विस दे रहा है कंपनी तरफ से, फ्री मिलता है। एक साल के अंदर अगर आपका मोटर जल जाए या कुछ खराबी आ जाए, एक साल के अंदर आपको ये पूरा सर्विस फ्री देगी। और इसमें डब्बा में कुछ नहीं है, जो है डब्बा सामने और कुछ नहीं है, खाली हो गया डब्बा। इस बोरिंग में कंप्रेसर लगा हुआ था, जो कंप्रेसर बिजली भी ज्यादा उठा देती थी, इसलिए इसको समरसेबल लगा रहा है। कंप्रेसर करीब 1 घंटा चलाना पड़ता है तो पानी 1 लीटर पानी देता है। इसमें क्या हुआ कि समरसेबल में 12 से 15 मिनट में पानी आपका टंकी 1 लीटर। इसको भी फटाफट खोलते हैं, खोल के आप लोग को दिखाएंगे और पाइप का रेट बताएंगे, पाइप का क्या रेट पड़ता है इसका। तो ये बोरिंग से अभी पाइप निकाल दिए, पाइप निकालने में टाइम लग गया, करीब 12 पाइप था, कंप्रेसर का पाइप था निकल गया। अब मोटर को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके इसे पानी में डाल के पानी में पूरा डाल के इन नट को खोलने के बाद आपका ये जाली खुलेगा पूरा। कमी है थोड़ा यहाँ पे, समरसेबल का आपको दाम बताएं, समरसेबल का दाम पड़ेगा 13,500। इसका रस्सी का पड़ेगा आपका 11 रुपए मीटर, 11 या 12 रुपए मीटर पड़ेगा ये रस्सी का। जो 12 mm, ये 12 mm है, 10 mm आता है, 14 mm आता है, तो हिसाब से इसमें जितना हमको डालना है, अभी मिनिमम 130 फीट डालना है, तो 12 mm रस्सी ठीक है। वायर जो लिए हैं हम लोग 2.5 का सीआरआई का तार है, ये आपका 2.5 का तार है। थोड़ा सा आपको लाइट का दिक्कत होगा, कहीं लाइट थोड़ा यहाँ कमजोर है, और इमरजेंसी में ये पंप लग रहा है बहुत। हमको 4 बजे ही कॉल आया, जिसमें हम लोग इमरजेंसी में कॉल आने के कारण ये पंप यहाँ लगाया जा रहा है, क्योंकि 4 दिन से यहाँ पानी का बहुत दिक्कत चल रहा है। पहले तो पंप खराब हो गया, तो कंप्रेसर में बिल ज्यादा उठ जाता है, बिजली बिल के कारण ही ये पंप हटा के हम लोग समरसेबल डालते हैं। आपका बिजली बिल भी बचेगा और मिनिमम 12 से 15 मिनट में आपका टैंक को भी अभी दिखा दिए, तार भी दिखा दिए। अभी टोटल खर्चा आपको बता दे रहे, टोटल जैसे 13 पाइप, 40 मीटर तार, ये आपको 40 मीटर रस्सी, टोटल आपको 23,500 पड़ा है। 11 में अगर जाइएगा 23,500 रुपए आपको पड़ेगा ये सीआरआई का समरसेबल रस्सी तार। और पाइप जो है 12 kg, 12.5 kg का पाइप है, और इसका आशीर्वाद कंपनी का है। इसका हर पाइप का 300 रुपया, इस पाइप का 300 रुपया दाम है, ये 12.5 kg का है।
ये आशीर्वाद कंपनी का है और बहुत ही बढ़िया पाइप है, बहुत बढ़िया पाइप है। पाइप हम बहुत बार यूज कभी कर चुके हैं हर जगह। अरे मिनिमम ये पाइप 12.5 kg है, लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ कहीं लिखा है मिट गया होगा तो होगा। 12.5 kg का पाइप है, इसमें 13 पीस पाइप डालने वाले, 13 पीस पाइप डालेंगे। और पानी का इसका स्रोत बहुत अच्छा है, पानी अगल बगल में पानी बहुत कम मिला है इनका पानी, जो बोरिंग का पानी बहुत अच्छा पानी, मिनिमम 30 फीट में पानी मिला और 140 फीट बोरिंग हुआ है। पानी बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर मिला। अभी लगाएंगे, लगा के आप लोग चालू करेंगे, चालू करके दिखाएंगे प्रेशर। 1 HP 10 स्टेज जो समरसेबुल है CRI का, इतना प्रेशर देता है। अभी तार उड़ जोड़ते हैं, तार उड़ जोड़ने के बाद आप लोग को दिखाएंगे। तार को भी जोड़ना है बढ़िया, तार जैसे आगे पीछे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब एक एक करके बीच एक लाइन से तार जोड़ना। तो इस तार को जब भी जोड़ना है, तार को इस तरह पढ़कर नहीं जोड़ना, इस तरह तार आप लोग को जोड़ना नहीं, जोड़ने में क्या होगा तार छूट जाएगा, अभी भी तार पे लोड पड़ेगा तार छूट जाएगा। तार को जोड़ने का तरीका, बीच से बीच का पोजीशन आधा आधा कर देना, ये आधा हो गया, ये भी आधा हो गया, इस तरह बीच में इस तरह मोड़ देना इसको, तार को इधर का साइड का यही ये जोड़ देना है, तार जो ये दोनों तार मिला के मोड़ देना है। अब इस तार को टालने के बाद भी छूटने वाला नहीं है, रुक जा रुक जा रुक जा, पकड़ पकड़े इतना उठा, थोड़ा सा उठा, छोड़ दे तरिया उठा, फिर देखो बिजली टेप मारे को बिजली टेप ठीक हो, छुरी तुरी हटा, दिसंबर से हम लोग डाल रहे हैं, बहुत कंजेशन जगह है, मतलब इतना कैसे जगह बोरिंग हुआ है, दीवार है पूरा एकदम चारों तरफ, जगह एकदम एक जगह एक जगह है।
ये समरसेबुल पाइप को हम लोग टाइट कर रहे थे, कस्टमर का कहना है कि आप लोग इसको रेंच से टाइट कीजिए। तो ये रेंच से टाइट नहीं होता, नहीं हाथ से ही टाइट होता है। तो टाइट करने का तरीका ही है, बस इसको घुसाना है, बस नीचे का आदमी पकड़ना है, चाहे वाइस लगा सकते हैं चाहे रेंच लगा सकते हैं। रेंच इसमें लगता नहीं, खुलने के समय एक बार रेंच लगता है, टाइट करने में रेंच नहीं लगता है। ठीक चना जाएगा। तरवा इसमें पार करना होता ना, मार्केट बस थोड़ी देर और मोटर चालू करने वाले हैं। तेरा पाइप डला गया है, तो इसमें तार में लिखा हुआ है सब, ब्लू येलो रेड, ब्लू येलो रेड। आई नीटोल पैनल, इसमें प्लस एंड नीटोल दोनों लगेगा। इधर इधर समरसेबुल का तार, एक दो तीन, तीनों में ब्लू पीला लाल तीनों में, इसमें भी जोड़ेंगे, जोड़ के चालू करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा प्लीज। कितना वोल्टेज है? चल रुको ना, वही चल चल। हाँ काट दे, सब डाउन है, रमाटा दे। पानी
ये प्रेशर इसका यही रहेगा, 1 HP 10 HP। अगर इसमें वोल्टेज कम आ जाता है तो हल्का सा वोल्टेज, आपका प्रेशर कम होगा और ये मिनिमम आपका 10 से 12 रुपये में टंकी एकदम फुल कर देगा। ये 1 HP 10 HP का मोटर है, क्लियर है, और बहुत अच्छा मोटर है। मतलब कि आपका पानी एकदम ऐसा देगा कि 12 मिनट में टंकी फुल, और बिजली बिल भी आपका बहुत कम करेगी। तो 200 लीटर या 300 लीटर का है, बूस्टर मोटर 3 से 4 मिनट में भर देगा। तो वीडियो बढ़िया लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं भी नहा लेते, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों को हमारे साथ से हैप्पी होली।